हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल A1 पंजाबी तड़का में। मैं हूं सोनिका वर्मा। तो आज मैं बनाने जा रही हूं फेस्टिवल स्पेशल लौकी की बर्फ़ी। तो उसके लिए मैंने दो लौकी ली हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एकदम से फ्रेश है ये लौकी। अब हम इसका छिलका निकालेंगे इस तरह से। ध्यान में रहे, जब भी आप लौकी की बर्फ़ी बनाएं तो उसके लिए जो लौकी यूज़ कर रहे हैं वो एकदम से फ्रेश और सॉफ्ट होना चाहिए। लौकी के छिलके निकाल दिए हैं, अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से इसका बीज का जो पार्ट है निकालना है, जो बीज वाला हिस्सा है, ये देखिए इस तरह से का हिस्सा हमारे को यूज नहीं करना है इसका बर्फी में। तो इसी तरह से हम पूरी लौकी के बीज का पार्ट निकाल लेंगे और बीज का पार्ट फेंकना नहीं है। इसके आप सब्जी या फिर दाल में भी यूज कर सकते हैं। तो हम लौकी को कर लेते हैं ग्रेट। ग्रेट करते टाइम थोड़ा अपने हाथ का ध्यान दीजिएगा। अब हम इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो अच्छे से निचोड़ लेंगे कॉटन के क्लॉथ में डाल के, क्योंकि ये मेथड जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, इससे तो एक तो टाइम हम लोगों का बचता है, ऊपर से इजीली मतलब कुक हो जाता है और गैस भी बचता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमारे को मतलब लौकी की बर्फी बनाने में, तो ये मेथड ज़रूर कर लीजिएगा। इसको हम लोग अच्छे से निचोड़ लेंगे और लौकी का जो पार्ट है एकदम से ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से निचोड़ लिया है। ये वाटर आप चाहे तो पी भी सकते हैं या दाल वगैरह में यूज कर सकते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशनल रहता है इसमें। तो अभी हम ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो डालडा या वनस्पति घी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से इसमें चलाएंगे 2 से 3 मिनट तक। इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो रहा है। अब हम इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, लौकी भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप दूध। मैंने फुल क्रीम वाला दूध यूज़ किया है, हो सके तो आप भी फुल क्रीम वाला दूध ही इसमें यूज़ कीजिएगा। इसको हम लोग चलाएंगे इस तरह से और इसको ढक के 7 से 8 मिनट तक पकाना और बीच बीच में हिलाते रहना है। तब तक पकाना है तब तक हमारा जो दूध है इसमें एकदम से ड्राई नहीं हो जाता है। तो चलिए हम इसको ढक देते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और हमारी लौकी है वो एकदम से सॉफ्ट हो चुकी है और दूध भी एकदम से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। मैंने 1 बाउल चीनी लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो पीसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसमें शुगर ऐड करते हैं तो थोड़ा सा ये ऐसा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है, ये बिना ड्राई फ्रूट के भी बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें ऐड करेंगे छोटी इलायची का 1 चम्मच पाउडर। इस टाइम पे आप अगर इसमें यूज़ करना मावा यूज़ करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें 1/4 किलो मावा यूज़ कर सकते हैं, 250 ग्राम। 1 किलो अगर आपका लौकी है तो उसमें 250 ग्राम मावा यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर 1 कटोरी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालती हूँ मैं कलर फूड।
अगर आपको फूड कलर यूज़ नहीं करना है, ऑप्शनल है, तो आप मत कीजिएगा। ये थोड़ा सा ये देखिए इसका कलर है कितना अच्छा हो गया है, फूड कलर डालने को इस तरह से इसका कलर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 200 ग्राम मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जो आपकी बर्फी है उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी, थोड़ा सा, ताकि जो मतलब हमारा ये पेस्ट है लौकी का वो अच्छे से कढ़ाई से अलग हो जाए, चिपके नहीं। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ड्राई होने तक हमारे को इसी तरह से इसको हिलाना है। तो ये देखिए हमारा जो मटेरियल है ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा किशमिश, ऑप्शनल है। अब मैंने एक इस तरह से प्लेट लिया है, उसको चारों तरफ से लगा लिया है घी। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मटेरियल को डालेंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इस स्पैचुला के हेल्प से इसको इस तरह से पूरे उसमें प्लेट में फैला देना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसको ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम, काजू, पिस्ता यूज़ किया है। इसको इस तरह से दबा देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहे तो रूम टेम्परेचर पे 1 से 1.5 घंटा रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए या फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए मैंने 1 घंटे के बाद फ्रिज में से इसको निकाला है। तो चलिए हम इसका करते हैं पीस कट। आप अपने अकॉर्डिंग पीस कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर में कट कर रही हूँ। तो चलिए ये देखिए हमारी बर्फी हो चुकी है रेडी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।